कानून को तरोल मरोड़ देते हैं अपने हिसाब से। ये जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं इनको कोई तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, ये लोगों की सेवाई के लिए है, इनको कोई पेंशन नहीं होनी चाहिए। पेंशन उनके होनी चाहिए जो आपके लिए सरहद के ऊपर रक्षा करता करता अपने प्राण दे गया, उसके बच्चों के लिए पेंशन होनी चाहिए। इनको क्यों जहाजों में घूमते हैं, कारों में घूमते हैं, कोई किराया नहीं है, फ्री खाना है, फ्री रहायश है, तो इनको दो दो करोड़ रुपया क्यों चाहिए? वो भी आपको लूट लूट कर दे दो दो करोड़ रुपया बनाते हैं। ये देश की सेवा क्यों जरूरी है, सेवा करने के लिए आए हैं तो इनको कोई पैसा नहीं देना चाहिए। पैसा हमें किससे मिलना चाहिए? जो डिफेंस के फौजी है, जो बैंक में कर्मचारी है जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जो पुलिस के नुमाइंदे हैं जो आपको आपके इलाके में सिक्योरिटी दे रहे हैं, इन्हें लोगों को चाहिए सैलरी चाहिए, पेंशन चाहिए। लेकिन जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, ये क्या करते हैं? कोई ड्यूटी करते हैं? जहाजों में घूमते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं और फ्री है सब कुछ इनका, तो इनको कोई भी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। ये तनख्वाह की लालच में लोगों को लूट लूट कर ये चेहरों पे आते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, 2019 में जो भी इलेक्शन होने वाली है, आप जे इनकी लुटाई से बचना है तो आप एक तहैया कर दो कि इनको वोट मत देना। जे आपने फिर इनको वोट दे दिया तो सदाम हसाम जैसा हालत आपका भी हो जाएगा, वो खुद भी मारा जाएगा और आपको भी मार देगा। अभी देखो उधर क्या हाल हो रहा है, सिविल वार लगी हुई है, कोई लोगों को इंसाफ नहीं, देश तबाह हो चुका है, सारी बिल्डिंगें खंडर बन चुकी हैं, सरकार और गवर्नमेंट की लड़ाई, लोगों की लड़ाई हो चुकी है। तो साथियों 2019 में इलेक्शन आने वाली है, तो हम इसी माध्यम से 25 तरीक तक आपको इसी तरह मोटिवेट करते रहेंगे और आप हमारी जो बातें हैं वो अपने पल्लू में बांध लेना और उसको अपने ध्यान में रखकर, ये आप जो लोग हैं आप लोग ही पार्लियामेंट में बैठने चाहिए, क्यों आप लोगों के दर्द की पीड़ा को समझते हैं, आप लोगों को अच्छा इंसाफ दे सकते हैं। जो लोग मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गया, उसको क्या, पहले मुख्यमंत्री था प्रधानमंत्री है, उसको पहले भी ऐश थी, अभी ऐश है, हर तो आप रहे हैं। 2019 की इलेक्शन जो है वो आपके हाथ में है, आपका एक एक वोट जो है वो करोड़ों करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करेगा। एक बार 10,000 करोड़ वोट है और एक बार 10,001 वोट है, और जो एक वोट है वो 10,000 को खत्म कर देगा। तो अपनी एक वोट की जो अहमियत है उसको समझो, एक वोट से भी आदमी जीत सकता है। सो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ